मेरी माँ कहती थी, बेटा अच्छा काम करो, लोग उसे जरूर पसंद करेंगे। और दोस्तों, मैंने ये होते हुए देखा है, पिछले 10 दिनों में मेरे दो वीडियोस को 11,000 से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। इसलिए मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूं। आपका बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे सब्सक्राइब्स मिले और आपके रिक्वेस्ट भी आए अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो ये वीडियो मैं अपने एक चहेते सब्सक्राइबर विशाल मेहता जी के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। विशाल जी की रिक्वेस्ट थी कि ठाणे में 5 सुपर डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो वो मैं जरूर कर रहा हूं। और अंत में जो ठाणे का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1 सुपर डेवलपमेंट, ठाणे बोरीवली अंडरग्राउंड टनल। दोस्तों, ये टनल ठाणे में टिकुजनी वाड़ी से शुरू होगा और बोरीवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस को टच करेगा। आज लगभग अपने को 2 से 2.5 घंटे लगते हैं ठाणे से बोरीवली तक पहुंचने में। एक बार ये टनल आ गया दोस्तों, तो केवल 15 मिनटों में हम ठाणे से बोरीवली पहुंच पाएंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं दोस्तों, ये टनल भारत में सबसे बड़ा अंडरग्राउंड टनल होने वाला है। तो हुआ ना अपने ठाणे में एक रिकॉर्ड। नंबर 2 सुपर डेवलपमेंट, ठाणे गोड़बंदर एलिवेटेड कोराइडर। ये एक 4.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रास्ता, यानी कि ऐसा रास्ता जो एक फ्लाईओवर की तरह है। ये एक मेजर कनेक्टर होने वाला है ईस्टर्न एक्सप्रेस और वेस्टर्न एक्सप्रेस के बीच। ये फाउंटेन होटल जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस है, वहां से शुरू होते हुए गायमुख जो कि आज ठाणे का अंत है वहां तक जुड़ जाएगा। ठाणे में रहने वाले लोगों को पता है आज गोड़बंदर रास्ते पे अपने को कितनी तकलीफें होती है ट्रैफिक की, तो ये एलिवेटेड कोराइडर ये सारे तकलीफों को एक झटके में नष्ट कर देगा। नंबर 3 सुपर डेवलपमेंट, ठाणे कोस्टल रोड। ठाणे के प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि ठाणे में एक कोस्टल रोड बनाया जाएगा। कोस्टल रोड माने ऐसा रास्ता जो कि नदी के बाजू से जाने वाला है। यह रास्ता ठाणे के खारेगांव एरिया से होते हुए गायमुख तक जाने वाला है। अब तक आपको इंटरेस्टिंग चीजें जानने की आदत हो गई होगी दोस्तों, तो एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये रास्ता आपको ठाणे से डोंबिवली मात्र 30 मिनटों में लेकर जाएगा। रियल इस्टेट मेरा पैशन है और ठाणे मेरे लिए दुनिया में सबसे फेवरेट सिटी है, इसीलिए मैं ठाणे के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देता रहता हूं। ऐसे वीडियोस बनाने में मेरा बहुत मेहनत जाता है दोस्तों, तो आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मुझे काफी प्रेरित करेगा ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। अब आते हैं सुपर डेवलपमेंट नंबर 4। अब तक हुए सारे रस्तों के बातें, अब देखते हैं प्रशासन उल्लास नदी का कैसा उपयोग करने वाली है। उल्लास नदी के वाटरवेज के तहत वसई, कल्याण, मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करने का एक जबरदस्त प्लान चल रहा है। ठाणे में साकेत एरिया से यह शुरू होगा और इन सारे एरियाज को यह कनेक्ट करने वाला है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं दोस्तों, ठाणे में प्रशासन ने गायमुख एरिया में इसी नदी के ऊपर एक बढ़िया सा चौपाटी बनाया हुआ है, तो फिर क्यों जाना मरीन लाइंस बताओ। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार। दोस्तों, वो घड़ी आ गई है सुपर डेवलपमेंट नंबर 5 और वो है मेट्रो। मेट्रो के बारे में आपको मैं 2 इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। ठाणे में मेट्रो स्टेशन नहीं बल्कि कापुर बावड़ी में एक मेट्रो जंक्शन आने वाला है, और मेट्रो स्टेशन होना और मेट्रो जंक्शन होना इसमें जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज यह है कि एक बार ये दोनों मेन लाइंस बन गए, उसके बाद ठाणे सिटी के इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए भी मेट्रो प्रपोज्ड है। इसके बारे में सही समय आने पर मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। विशाल जी को धन्यवाद करते हुए मैं ये वीडियो अंत करता हूं। मेरे और 10 सब्सक्राइबर ने मुझे 10 और टॉपिक्स दिए हैं, इनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा और हर महीने के पहले और 15वें तारीख को पब्लिश करूंगा। इस वीडियो में दिए गए हुए 5 सुपर डेवलपमेंट्स के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक दूसरे एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ठाणे।